6 सितंबर को बड़वानी में कांग्रेस द्वारा होने वाली आदिवासी जन आक्रोश रैली में भाग लेने हेतु धार जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जिला कांग्रेस कार्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा, इंदौर विधायक संजय शुक्ला, वरिष्ठ नेता हेमंत पाल पहुँचे, जहाँ जिले से आए पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं व कार्यकर्ताओं से चर्चा की। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल, मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा, धर्मपुरी विधायक पाचीलाल मेढ़ा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। धार आए वरिष्ठ नेताओं ने दूसरे गुट से बस स्टैंड स्थित कांग्रेस कार्यालय जाकर चर्चा की। दोनों ही स्थानों पर राष्ट्रीय सचिव के सामने कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर गुटबाजी के आरोप लगाए। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। और ये जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, और उससे पहले अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है, मिलना चाहता है, मेरा दायित्व है कि उनकी बात सुनूं, मिलूं। ये जिला कांग्रेस कमेटी का अपना एक महत्व है, और वो महत्व है, और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी बाल मुकुंद जी हैं, और इनके नेतृत्व में आज ये तैयारियों के संबंध में बैठक हुई। और कोई साथी, कोई कार्यकर्ता या कोई विधायक अलग से कोई मिलकर अपनी बात कहे, तो मेरे ख्याल से उसमें तो कोई चलो ये बताइए, आपके गुटबाजी को दूर करने में, जैसे कि आज में आप देखिए गुटबाजी लोगों को दिखी भी है, तो दूर करने का क्या प्रयास कर रहे हैं? गुटबाजी कोई मतभेद जो है उनको दूर करने का काम करेंगे। हमारे सत्यनारायण पाटीदार जी पटेल जी, जो पूर्व विधायक हैं इंदौर से, जिनको यहाँ का प्रभारी लगाया गया है, वो सभी विधायकों से बात करेंगे, और हम भी इस संबंध में बातचीत करके जो आपस में किसी प्रकार का इनका मन मुटाव है वो दूर करने का काम करेंगे। आपका नाम बताओ? कुलदीप इंदौरा, सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। हमारे जो सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव, उनसे उन लोगों ने बात की थी, हमें कुछ अलग से आपको हमारी बात बताना है, इस वजह से वहाँ गए थे। बाकी उन्होंने पूरा समय जिला कांग्रेस को दिया, और जिला कांग्रेस में देखा आपने काफ़ी भीड़ भी थी, सारे पूरे जिले से लोग वहाँ पर आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है उसमें। कांग्रेस का एक दल हर कार्यक्रम में अपना अलग थलग रखता है, अलग से कार्यक्रम करता है, जो पूर्व मंत्री रहे उनका दड़ा खेलाता है, क्या लगता है आपको, गुटबाजी है या? कौन पूर्व मंत्री? उमंग सिंघार। नहीं जानता मैं उनको, वही उमंग सिंघार है जिसको 2003 में कांग्रेस पार्टी ने पार्टी विरोधी कार्य करने में, और जो 5 जगह उन्होंने राकापा का आदमी खड़ा करके और हराया था, वो उमंग सिंघार की बात कर रहे हो क्या आप? तो हमेशा बीजेपी के साथ दिए, बीजेपी काम करते रहे, पार्टी विरोधी काम करते रहे। वो कांग्रेस से उनको निष्कासित किया गया था, वापस उनको कांग्रेस में लिया गया है, अभी कांग्रेस में है, लेकिन शरीर कांग्रेस में, मन कहीं और भटकता रहता है उनका। इस मामले में मेरा जहाँ तक के मानना है कि बाल हुकुम सिंह गौतम की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि उमंग सिंघार धार जिले के ही नहीं, मध्य प्रदेश के युवा दिलों की धड़कन है। उनको मध्य प्रदेश की कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जो उमंग सिंघार जी को नहीं जानते होंगे, और आदरणीय अध्यक्ष जी का कहना है कि वो बाल हुकुम सिंह गौतम का कहना है कि वो उमंग सिंघार जी को नहीं जानते, तो उनका कांग्रेस पार्टी में रहना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उमंग सिंघार जी वो व्यक्ति है जो 3 बार तक धार जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 2004 और 2011 में उन्होंने धार लोकसभा सीट से, जिसकी संपूर्ण आबादी 22 लाख लोग हैं, 22 लाख मतदाताओं के दिल में उमंग सिंघार जी बसे हुए हैं, उसके अलावा वह 3 बार से लगातार धार जिले की गंदवानी सीट से कांग्रेस के विधायक हैं, और वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव हैं। अगर जिला अध्यक्ष गौतम जी उमंग सिंघार जी को पहचानने से मना करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को उन्होंने जिला अध्यक्ष पद पर बिठाए रखा है। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।